अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में बताइए जरा अंशिका। वैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया है इसको। सर, ऑर्बिट जो है वो जीव होते हैं जो जीवन को मैप करते हैं, ऑर्बिट, जैसे और बताइए और बताते रहिए। ऑर्बिट ऑफ ए पॉइंट, हाँ बोलिए अंशिका। सर इसमें हम वो ए लेते हैं एक्स के, जो कि प्री इमेज होते हैं जब हम उन पे ऑपरेशन लगाते हैं ए पे। अच्छा, यस सर। जैसे अगर हम जी बी ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, यस सर। ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ ए सेट एक्स, ए सेट ऑफ ए सेट एक्स, ठीक है, एंड सिग्मा इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, सिग्मा इज एलिमेंट ऑफ, सिग्मा ना लिखू, मैं कुछ और लिख दू, एंड आर इज एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, लेट आर इज एलिमेंट ऑफ एक्स, कोई दिक्कत? जी बी ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए सेट एक्स एंड लेट आर इज एलिमेंट ऑफ एक्स। तो जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिट ऑफ आर इन ग्रुप जी, ठीक है, या इसे हम और कैसे डिनोट करते हैं, जी आर, ऐसे इस तरह से डिनोट करिए, चाहे इस तरीके से, ठीक है अंशिका। तो सर दिस इज द सेट ऑफ वो परम्यूटेशंस, मतलब परम्यूटेशन का सेट है ना ये, ग्रुप जी जो है परम्यूटेशन ग्रुप है, तो वो परम्यूटेशन, ठीक है, ठीक है, तो सिग्मा आर, सिग्मा आर द इमेज ऑफ सिग्मा आर, वेयर सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज एलिमेंट ऑफ जी, तो सिग्मा आर का जो कलेक्शन होगा उसे कहा जाएगा ऑर्बिट। इसे सुनिए, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए सेट एक्स एंड लेट आर इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, देन ऑर्बिट ऑफ आर इज द कलेक्शन ऑफ सिग्मा आर, ठीक है, द सेट ऑफ सिग्मा आर। तो सिग्मा आर का मतलब क्या है, सिग्मा आर का मतलब क्या है, सर ये सिग्मा और आर ऑपरेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? सिग्मा आर का मतलब क्या, वही पूछ रहा हूं, क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये कि आर की क्या इमेज है अंडर दिस परम्यूटेशन, नहीं समझे, नो सर। सिग्मा आर इसका मतलब ये कि इस परम्यूटेशन के अंतर्गत आर कहाँ जाएगा, वेयर आर कैन गो, समझे मेरी बात, यस सर। आर की इमेज क्या होगी इस परम्यूटेशन में, मतलब जैसे हमें और एग्जांपल लेके बात करें,
एग्जाम्पल लेके बात करें, जैसे इसी इसी एग्जाम्पल में आ जाइए, इसी बैक वाले एग्जाम्पल में आ जाइए, इसमें जी ये दिया है ठीक है, और हमें स्टेबलाइजर निकालना है। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हमें निकालना है स्टेबलाइजर ऑफ ऑर्बिट ऑफ वन निकालना है, ठीक, ऑर्बिट ऑफ वन निकालना है। तो बाय डिफिनेशन क्या हुआ कि सर हाँ सिग्मा नहीं वन, बता, एक मिनट, सिग्मा वन सच दैट सिग्मा इज एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, ये लिखा ना मैंने। तो यानी कि हर परम्यूटेशन में, यानी कि ग्रुप के हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग आपको देखना है कि वन की इमेज क्या हो सकती है, क्या क्या है। तो यानी कि वन का ऑर्बिट मतलब वन कहाँ कहाँ जा सकता है, वेयर वन कैन गो। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट परम्यूटेशन ये है ना, यस सर, तो इसमें वन की इमेज क्या है, वन ही है, डन। उसके बाद आप देखिए इसमें वन की इमेज क्या है दूसरे वाले परम्यूटेशन में, इस वाले में, तो आप देखिएगा तो वन की इमेज है थ्री, यानी वन की इमेज थ्री है यहाँ पे, तो मैंने दूसरा एलिमेंट लिख दिया थ्री। आपको बताना है कि उसकी इमेज क्या क्या हो सकती है अंडर दिस परम्यूटेशन, वन की इमेज क्या क्या हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है आपको। यहाँ क्या लिख सकते हैं वन वन की इमेज, अंशिका वन की इमेज आ जाएगी वन की थ्री, थ्री आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, यस सर, तो थ्री लिख चुका मैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सर टू यहाँ भी है, हाँ यहाँ पे देखिए इसमें शिवाली, इसमें वन की इमेज क्या है इस परम्यूटेशन में, तो चलिए टू भी आ गया हमारा। इस वाले में फिर भी वन की इमेज टू है, सर रिपीट नहीं होगी, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इस वाले में देखिए वाली है सर, कहाँ गया इसमें, बस यही, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, वन की मेजबान नहीं आप, बस ठीक है ही ना। तो ये है ऑर्बिट ऑफ वन, यानी कि ये वन का ऑर्बिट है, यानी वन जो इमेज है अंडर दीज परम्यूटेशंस वन टू थ्री हो सकती है बस, ठीक है, इधर समझ आया। यस सर, बाद शिवाली कुछ पूछना है, नहीं सर क्लियर है। चलिए अब जो ऑर्बिट बताइए टू का, टू की ऑर्बिट बताइए, या देखिए क्या आता है टू की ऑर्बिट, थ्री, टू की इस परमोटेशन के अंदर में टू की इमेज तो टू ही होगी, इस पर आइडेंटिटी परमोटेशन में टू की इमेज तो टू ही होगी ना, यस सर, तो यहाँ तो एक तो टू हो गया, तो टू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और बोलिए, यहाँ पे टू की इमेज थ्री, और कहीं देखिए यहाँ भी टू की इमेज थ्री है, यहाँ भी टू की इमेज थ्री है, यहाँ भी टू की इमेज थ्री है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ टू की इमेज वन है, दिख रहा है आपको, यस सर, टू वन थ्री आएगा, वन टू थ्री, टू थ्री वन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार ऑर्बिट आया टू थ्री वन, ठीक है। अब इसी तरह से ऑर्बिट ऑफ थ्री बता दीजिए मुझे, थ्री की ऑर्बिट क्या है, ध्यान से देख के बताइए। तो एक तो पहला तो थ्री होगा ही होगा,
इसमें तो सर कुछ वन टू मतलब थ्री ही है इसका भी। सेम थ्री यस सर, टू वन लिख दूं, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए ऑर्बिट ऑफ फोर बता दीजिए, ऑर्बिट ऑफ फोर जी, फोर की ऑर्बिट है 5 6 और 4, 4 5 6 ले दो ना, यस सर। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तो अभी इस पे ऑर्बिट ऑफ जी, ऑर्बिट ऑफ 5 इन जी, बोलिए ऑर्बिट ऑफ 5 इन जी। 6 4 5, फिर से भाई, अभी मैंने यस 4 का 5 का 6 4 5, यस सर। 4 5 6 से लिख दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, और बोलिए ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ 6 6 की है, 4 5 6 ही आएगा। सेम 4 5 6। 7 का बताइए ऑर्बिट ऑफ 7 इन जी, एट सर, क्या क्या है? सेवन और एट, बस अच्छा, ऑर्बिट ऑफ 8, सेवन और एट, ऑर्बिट ऑफ 8 इन जी, 7 और 8। तो आप लोग को थोड़ा बहुत ऑर्बिट समझ आया? बोलिए ऑर्बिट समझ आया? तो यस सर। यस सर। अब यहाँ ये देख के बताइए कि ऑर्बिट किसका सबसेट है, जो ऑर्बिट आ रहा है वो किसका सबसेट है? एक्स का वेरी गुड, मतलब ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट ऑफ आर इन जी इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ एक्स। और जबकि स्टेबलाइजर क्या था? स्टेबलाइजर किसका सबसेट था? स्टेबलाइजर ऑफ, जी का, स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी, ये सबसेट था जी का। अंतर दिखा, समझ में आया? और यह वो कह रहा है जी एक्ट कर रहा है एक्स पे ना, जी जो है एक्ट कर रहा है एक्स पे। तो दूसरे फॉर्म में लिखा जाए इसको, कुछ ऐसे दूसरे फॉर्म में लिखा जाए, और भी ऑर्बिट को समझिए। तो दबे फूटे का एक प्रोपोजिशन है ना, प्रोपोजिशन टू, पेज नंबर, आई थिंक पेज नंबर है 114, पेज नंबर 114, दबे फूटे का प्रोपोजिशन टू, 114। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन है कि लेट जी बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, द रिलेशन
ऑन ए डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड वन लीव ए इज इक्वल टू जी स्टार बी, ठीक है, फॉर सम जी इज एलिमेंट ऑफ जी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन is an equivalence relation. फिर सुनिए, ये दमित फुटे प्रोपोजिशन टू पेज नंबर 114 पे है कि लेट जी बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड वन लीफ ए इज इक्वल टू जी स्टार बी, स्टार क्या है, ग्रुप एक्शन, ठीक है, ए इज इक्वल टू जी स्टार बी, यानी कि ध्यान से देखिएगा कि ए इज इक्वल टू जी स्टार बी फॉर सम जी एलिमेंट ऑफ जी, ये जो रिलेशन है इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए, और पेन चेंज करता हूं, और फॉर ईच For each A is element of capital A, the number of elements in the equivalence class, the number of elements in the equivalence class, number of elements in the equivalence class containing A is index of stabilizer in G is index of stabilizer of A in G, ठीक है, मतलब यहां लिख दूं ऐसे, that is index of stabilizer of it, ठीक है। फिर सुनिए कि let G be a group acting on a non-empty set A, then the relation defined by A related to B if and only if A is equal to G star B, तो ये जो relation define किया गया है वो equivalence relation है, ठीक है, इसको तो easily prove कर सकते हैं आप कि equivalence relation है, reflexive है, symmetric है, transitive है, इसमें बहुत easy task है। आगे देखिए इस relation के behalf पे क्या कह रहा है, for each A belonging to A, the number of elements in the equivalence class containing A, number of elements in the equivalence class containing A is equal to index of stabilizer of A, समझे,
31। प्रोपोजिशन समझ आया? यस प्रोपोजिशन समझ में आया? यस इसका एक कंक्लूजन और भी ड्रा कर सकते हैं आप। क्या ड्रा कर सकते हैं? इसका मतलब ये है, इस प्रोपोजिशन को अगर आप देखें तो हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ग्रुप एक्सेप्ट डिफाइन हो रहा है, ठीक है, मेरी बात, अगर ग्रुप एक्शन डिफाइंड हो रहा है तो इस तरह का एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सच टाइप, यस सर मतलब कि अगर ग्रुप एक्शन की बात आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको आपको एक तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझे मेरी बात? तो जब यस भी सर आप ग्रुप एक्शन की बात करेंगे तो इस तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन कहीं एग्जिस्ट कर गया तो क्या होगा? मतलब ग्रुप एक्शन की बात नाम लिया आपने और ये हाजिर हो गया, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया आपको, इस तरह का एग्जिस्ट कर गया, तब क्या होगा? बोलिए अंश, क्या बताइए आप? सर पार्टीशन की बात करते हैं ना तब हम, पार्टीशन की बात नहीं करते तब, इसका मतलब कि ग्रुप का पार्टीशन, पार्टीशन और हाँ कि मतलब जब इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया, तो जैसे ही आपको इस तरह का रिलेशन मिल गया इसका मतलब कि पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। और पार्टीशन यस होगा किसका, ग्रुप का एक्स का? पार्टीशन किसका करेंगे आप, एक्स का कि ग्रुप का? सर एक्स का, सर एक्स का होगा। सोच लीजिए ध्यान से फिर बताइए। ये कंक्लूजन यहां से निकला कि अगर दूसरे पेन से लिखूं, सो ए ग्रुप लिख रहा हूं ना, सो ए ग्रुप जी एक्टिंग ऑन, अगर ग्रुप एक्शन हो रहा है एक्टिंग ऑन ए सेट एक्स ऑन ए सेट सेट एक्स leads to a partition of, सोच लिया आपने, पार्टीशन ऑफ केस, पार्टीशन ऑफ किसका? सर सेट का, ये एक्स का। यस सर मैं एक्टिंग ऑन सेट ए लिख देता हूँ ना, ठीक है, यहाँ ए लिखा ना मैंने, ठीक है सर पार्टीशन ऑफ ए, ठीक है, पार्टीशन ऑफ ए, पार्टीशन ऑफ ए इनटू डिजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, इनटू डिजॉइंट डिजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस क्लासेस, तो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो जैसे ही मैंने लिखा ना कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जी स्टार बी, समझ आया? ये हमने क्या बताने की कोशिश की, मैंने कहा कि ये जो प्रोपोजिशन है उससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ग्रुप एक्शन आप ग्रुप एक्ट करता है सेट पे ए पे, तो इसका कंक्लूजन यही है कि ग्रुप, ये सेट जो है आपका पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएगा, और एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसका मतलब कि पार्टीशन हो जाएगा ए का, तो ए का पार्टीशन हो रहा है।
जिस पे ग्रुप ऐड कर रहा है उसका पार्टीशन हो रहा है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो सर। अब उसी ये अब फिर इसके टर्म्स पे आर्बिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन। तो द इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, मतलब इसको लिखें द इक्विवेलेंस, मैं पहले लिख देता हूँ, लेट जी बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन, लेट जी बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन द नॉन एम्प्टी सेट, द नॉन एम्प्टी सेट। मैं दमित फुटे की लैंग्वेज लाइन लिख रहा हूं ना, नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए, द इक्विवेलेंस क्लास, द इक्विवेलेंस क्लास, द इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, द इक्विवेलेंस क्लास। तो उसको इसको लिखा जाता है क्लास ऑफ ए, ऐसे इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू जी स्टार ए, ठीक है, वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ जी। जी स्टार इज, ठीक है, फिर जी इज एलिमेंट ऑफ जी, इसका क्या मतलब हुआ? अभी जस्ट पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहले जब ऑर्बिट की डिफिनेशन बताई थी तो मैंने क्या बताई थी, ठीक है, तो जी स्टार ए यानी जी आपका एक्ट कर रहा है ए पे, जी आपका एक्ट कर रहा है ए पे, तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विच इज इक्वल टू द सेट ऑफ जी स्टार ए वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ जी, ये कहलाएगा ऑर्बिट ऑफ, इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ ए इन जी, ठीक है। तो ये दूसरे फॉर्म से डिफाइन करने की कोशिश, ठीक है, ये है ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ ए इन जी। अब ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम क्या एक्ट करता है, किस पे एक्ट ऑन, नॉन एम्प्टी सेट ए लिख देता हूँ, ठीक है, यस सर। Then there exists a bijective map. Then there exists a bijective map from Hans kya? From orbit of x in g. Orbit लिख देता हूँ, ऐसे सही रहेगा. Orbit of x. Orbit of a लिख देता हूँ ना. ऑर्बिट ऑफ ए इन जी टू सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी, ये जी मॉट, जी मॉट जी एक्स स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर ऑफ, ऐसे स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ना, या ऐसे शॉर्ट में, शॉर्ट में लिखना हो तो दैट इज फाइव
जी ए टू जी मॉड जी ए, ठीक है। ये सफिक्स में लगा है ना, ध्यान से रखिएगा, सर, यहाँ ये एक साथ लिखा है, यहाँ पे सफिक्स में लिखा है। तो फिर से सुनिए कि अगर ग्रुप एक्ट करता है सेट ए पे, देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैप, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैप वन वन ऑन टू मैप फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ ए टू इन टू जी मॉट स्टेबलाइजर ऑफ ए, जी मॉट स्टेबलाइजर ऑफ ए, इनके बीच में आपको एक बाइजेक्टिव मैप मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ आई बात? यस तो जब सर, बाइजेक्शन, इनके बीच में जब बाइजेक्शन होगा तो क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम की, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम की, लाइजर थ्योरम। इफ ग्रुप एक्ट्स ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ ए टू टू जी मॉड स्टेबलाइजर ऑफ ए। इससे बाइजेक्शन से क्या फायदा होगा जी? यस सर, इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन से फायदा क्या होगा, सोचिए जरा। बाइजेक्शन से फायदा ये होगा कि जो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका इक्विवेलेंस, होगा, यस सर, इक्विवेलेंट हो गए, नहीं जो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा। यस सर, अब जितना ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बोलिए ऑर्बिट ऑफ ए इन जी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका होगा, जी मॉट स्टेबलाइजर ऑफ ए का, यस सर, ठीक है, एग्री। और आपको ये पता ही है कि ये इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ ए, ऐसे लिख दिया। तो यहां से यस, ऑर्बिट ऑफ ए का जो ऑर्डर हो गया वो कुछ इस तरह का हो गया। तो अब यहां दोनों देखिए ध्यान से कि ग्रुप का ऑर्डर किसके इक्वल हुआ, प्रोडक्ट हो जाएगा ऑर्बिट और स्टेबलाइजर का। ऑर्बिट और स्टेबलाइजर के ऑर्डर के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया ना, यस सर, स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी। सर आइसोमॉर्फिज्म की बात होती है कि सर सिर्फ बाइजेक्टिव है। केवल बाइजेक्शन, बाइजेक्शन ओके सर, आइसोमार्फिज्म की जब बात करेंगे ना, तो वहां पर दिक्कत ये है कि आपको होमोमार्फिज्म होनी चाहिए ना, फिर यस सर, तो होमोमार्फिज्म में जो है ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टी सर प्रिजर्व करनी चाहिए, समझेगा। इसलिए बाइजेक्शन, इसका मतलब स्टेबलाइजर जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ओके सर, तभी तो ये क्वेश्चन डिफाइंड हुआ, यस सर, तभी ये क्वेश्चन डिफाइंड हुआ ना। तो ये समझ आया? तो ये यस ऑर्बिट सर, स्टेबलाइजर थ्योरम था कि अगर ग्रुप एक्ट करता है ए पे, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ ए टू जी मॉड स्टेबलाइजर ऑफ ए, ठीक है। यस सर, और इससे आपने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि ऑर्बिट ऑफ ए का जो ऑर्डर है और स्टेबलाइजर ऑफ ए का जो ऑर्डर है, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रुप को ऑर्डर मिल जाएगा। तो अगर आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिए, अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया था ना, जो एग्जाम्पल किया था उसमें देखिए जरा, जो हम लोग निकाल रहे थे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक दो तीन चार पांच छ सिक्स, यस सर, ठीक है, सिक्स एलिमेंट है ना ग्रुप में। अब देखिए स्टेबलाइजर का ऑर्डर क्या है, स्टेबलाइजर ऑफ वन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ वन दो, यस सर, ऑर्बिट ऑफ वन का जो ऑर्डर है वो क्या है, थ्री, थ्री सिक्स, देखिए यस सर, टू थ्री या सिक्स, है ना, यहाँ सर, देखिए टू थ्री या सिक्स।
जहां जहां स्टेबलाइजर में तीन एलिमेंट होंगे वहां ऑर्बिट में ऑटोमेटिकली दो हो जाएंगे। देखा हो जाए। देखिए, यहां से देखिए, दो तीन, दो तीन, दो तीन, ये देखिए दो तीन, यहाँ देखिए तीन, एक दो तीन, ऑटोमेटिकली दो हो जाएगा। देखा, यस सर। अब ऐसे देखिए, यहाँ देखिए एक दो तीन, यस आपको साफ दिख रहा है इस एग्जाम्पल में आर्बिट्री स्टेबलाइजर। यस सर। तो कोई कंफ्यूजन अंशिका? सर शिवाली आपको कोई कंफ्यूजन? आर्बिट स्टेबलाइजर? नो सर वैष्णवी? नो सर चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया आर्बिट स्टेबलाइजर।